डेजर्ट जगह में से ये एक जगह है। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम। भानगढ़, जिसे भूतों का किला कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर भी जाते हैं, इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ बसा था और 300 साल तक भानगढ़ खूब फलता रहा, लेकिन उसके बाद तो इसमें ऐसा कुछ हुआ कि आज ये वीरान पड़ा हुआ है। दुनिया में कई ऐसे किले और हॉन्टेड प्लेस हैं जिनका खुद का अपना काला अतीत है, और आज भी ऐसे वीरान पड़े किले और हॉन्टेड प्लेस को भूतों का किला कहा जाता है। काली शक्तियों का वास है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। कुछ ऐसी ही जगह हमारे हिंदुस्तान के राजस्थान में अलवर के पहाड़ी इलाके में स्थित है, जिन्हें भूतों का गढ़ भानगढ़ किला के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी काली शक्तियों का वास है ऐसा महसूस किया गया है। हमारे संवाददाता नीलेश रोठे टीम के साथ जब राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट में पहुंचे तो यहां के किले का राज जानकर हम भी इस बात पर यकीन करने को मजबूर। देख के भी लग रहा है जैसे यहां कुछ हुआ हुआ होगा। क्या भानगढ़ किला वाकई भूतों का अड्डा है? क्या सचमुच यहां एक रात गुजारने वाला अगली सुबह नहीं देखता? क्यों रानी के महल से आती है घुंघरुओं की आवाज? क्यों जिंद के मंदिर में हर पल रहती है एक रहस्य की आहट? क्या सूरज ढलने के बाद जिंदा हो जाता है 300 साल पहले मर चुका यह शहर? ड्रामा जगह यहाँ पे भूत रानी रत्नावली सा तो पहले काहे बोल रही थी मैं आके उजड़ो गए एक रात में वो हाँ, वो पूरा जल्ला उडूंगर सूर उडूंगर पानी पूरा जल्ला उजड़ो गए एक रात। भानगढ़ किले का निर्माण माधव सिंह ने 17वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद 300 साल तक यहाँ के लोग खुशहाली से रहते हैं। क्या है किला? क्या है किले में? एक किला देखबा का है। हाँ हाँ, देखबा का राजा रानी का। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। देखबा में तो ये च राजा रानी च पहले का। हाँ हाँ। और या बान घर चो। हाँ जो या उजड़ो गए एक रात में। हाँ हाँ, एक रात में। और बाद में क्या हुआ? अब बाद में तो भाई देखो हम जे राजा रानी से जब बांधी तेल मंत्र थी। हाँ हाँ हाँ। तेल मंत्र बस फिर वो सलका माला डोल दियो रानी से जी बांधी ले जाडी जड़ फिर। हाँ। स्थानांतरी से कौन जी फिर एक रात पूरा देश उजड़ कर दिया। क्यों नहीं आते इधर लोग? भूत ज्यादा रहते। भूत है कि इधर? वो जो मंदिर हम देख रहे हैं वो तांत्रिक का, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो तांत्रिक का मंदिर है। एक रात में वो तांत्रिक ने, वो जो मंदिर हमको दिख रहा है ऊपर का, वो जो महल दिख रहा है वो तांत्रिक का महल है, उस तांत्रिक ने ये गांव को उजाड़ दिया, ऐसा ही आकर लोगों का कहना। भानगढ़ का किला मशहूर है। भानगढ़ एक शहर की तरह था। इस किले में बाजार लगा करते थे, एक शानदार रौनक हुआ करती थी, मगर वक्त गुजरते देर कहां लगती है। एक रात ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उजड़ कर ले गया, भानगढ़ किले को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ सिर्फ दीवारों से आज भी आवाजें आती हैं। ऊंचे ऊंचे गुंबद पर खड़ा ये किला सिर्फ दहशत को आवाज देता है। भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावती सुंदरता की देवी थी। रत्नावती इतनी सुंदर थी कि महज 18वें साल में ही आसपास के राज्यों से उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। परंतु भानगढ़ के ही क्षेत्र में रहने वाला सिंधु सेवड़ा नाम का युवक था, जो तंत्र विद्या का महारथी था।
तंत्र विद्या में निपुण उस युवक का रत्नावती पर दिल आ गया था। मन ही मन वो तांत्रिक राजकुमारी को चाहने लगा था। उस तांत्रिक युवक ने रत्नावती को वश में करने के लिए काला जादू भी किया, पर ये सब बातें अपने खास विश्वासों के जरिए राजकुमारी रत्नावती को पता चली। उसी क्षण रत्नावती ने उस तांत्रिक युवक को इसी भानगढ़ किले में दफन कर दिया। पर मरते वक्त उस तांत्रिक युवक ने राजकुमारी रत्नावती और राज्य के बर्बादी का श्राप दे दिया और कहा कि रत्नावती तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा राज चंद दिनों में खत्म हो जाएगा और तुम्हारी सबकी आत्माएं इसी किले में मंडराएंगी। जगह बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, पर सुना है कि हॉन्टेड प्लेस है। हाँ। और देख के भी लग रहा है जैसे यहाँ कुछ हुआ हुआ होगा, पक्का पता है। हाँ। लेकिन कुछ फीलिंग है यहाँ पर हल्का हल्का सा। हाँ। बाकी तो यहाँ बोलते हैं ज्यादा शाम को ज्यादा डरावना होता है, दिन में तो ठीक है, गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन जगह शानदार है। जैसे कि हमें जयपुर के उस पर्यटक ने बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ हंटेड सुन के वो यहाँ पे आए थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हमें मालूम नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ शाम को रुके थे। ऐसा हंटेड कुछ हमें मालूम नहीं हुआ। लगता है कि ये प्लेस आधा हकीकत और आधा फसाना है। कहा जाता है तब पड़ोसी राज अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती सहित राज्य के सारे भानगढ़ वासी मारे गए थे और तब से ये किला वीरान और सुनसान जगह में परिवर्तित हो गया। कहते हैं लड़ाई में मारे गए सारे भानगढ़ वासियों की रूहें आज भी इस वीरान किले में भटकती रहती हैं। दुनिया के कई खोजी लोग यहां पर आए और इन भूतोसों से रूबरू हुए। एक दफा भारतीय पुरातत्व विभाग ने सैनिकों की एक टुकड़ी यहां पर भूतों के लिए भेजी थी। उनमें से कई सैनिकों ने इस भानगढ़ के किले में भूत होने की खबर की पुष्टि तक की थी। ये जगह पे आके आपको कैसा लगा, ये आपको क्या सुनकर आए थे आप? ये जगह क्या सुनकर आए थे यहाँ पे? मतलब बहुत ही डरावना जगह है, भूतों का बसेरा है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को कभी, कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ना? कई बार यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर महिलाओं की चूड़ियों के खनकने की और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। भारत सरकार ने किसी भी पर्यटक को कुछ हानि ना हो इसलिए किला शाम 6 बजे के बाद सुबह तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले की निगरानी की जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मना है और ये सब पाबंदियां ठुकरा कर जो कोई इस किले में चला जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। जब हमारे औरंगाबाद के संवाददाता नीलेश पाटिल और उनकी टीम यहां पहुंचे तो लोगों से हमने चर्चा करके प्रश्न किए कि आप इस जगह के बारे में क्या सुनकर आए हैं, तो सभी पर्यटकों का उत्तर था कि वो यूट्यूब और मीडिया में इस भानगढ़ के बारे में फैले भूतिया जगह और दुनिया की सबसे डरावनी जगह ये सुनकर आश्चर्य से देखने आए थे। जानने के लिए हमने पर्यटकों को 1.5 मील दूर पीने का पानी लाने वाली भानगढ़ के परिसर की एक बूढ़ी औरत से पूछा तो सच उसने क्या बताया आप खुद ही सुनिए। ये बाग में ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा सुना है टीवी पे कि ये जो यहाँ के यहाँ पे जो लोग 6 बजे के बाद आते हैं ना, वो मर जाते हैं। नहीं कोई को मरा, कोई मरा है ना? कोई को मर, सब चल जाए। पहले का जमाना में था को ना, जी का मान 3 बरात आई थी ब्याह वाला डाना, वो 3 बरात ही गायब हो गई का मायने। हां 3 बलाडा की बरात, पूरी बरात गायब हो गई। उस बुढ़िया के कहने के मुताबिक यहाँ पर जो घटनाएं घटित होती हैं वो बिल्कुल सच है। एक बार ये जगह देखने आई पूरी बारात ही इस किले में दफन हो गई। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने यहाँ घूमने आए लोगों से बात की तो लोगों ने सिर्फ इसे वहम बताया।
लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम कह नहीं सकते। मगर जिस तरह यहाँ पर लोग दहशत को आवाज देते हैं उससे तो यही लगता है कि वास्तव में कुछ न कुछ तो है यहाँ। इसलिए हमारी तो यही अपील है कि आप यहाँ आइए, इस भानगढ़ के किले का सौंदर्य, प्राकृतिक नजारा, पुरातन किला और इतिहास देखिए। इस भानगढ़ के किले को भूतिया जगह बोलकर बदनाम किया है। ऐसा इस किले में है ही नहीं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से पर्यटकों को और यात्रियों को आह्वान रहेगा कि आप बिना डरे इस राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के भानगढ़ में आइए, इस किले का आनंद लीजिए, इस किले का अद्भुत नजारा देखिए। यह भूतिया जगह, क्योंकि यह भूतिया जगह न होके यह एक प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है, क्योंकि यह एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जगह है। इस जगह के बारे में जो सुना वो आधा हकीकत आधा फसाना था। जी हाँ, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले की निगरानी की जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मना है और यह सब पाबंदियां ठुकरा कर जो कोई इस किले में जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। जब हमारे औरंगाबाद के संवाददाता नीलेश पाटिल और उनकी टीम यहां पहुंची तो लोगों से हमने चर्चा करके प्रश्न किए कि आप इस जगह के बारे में क्या सुनकर आए। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने यह घूमने आए लोगों से बात की, लोगों ने सिर्फ इसे बहम बताया। लेकिन इससे कितनी सच्चाई है ये हम कह नहीं सकते। मगर जिस तरह यहाँ कर लोग दहशत को आवाज़ देते हैं उससे तो यही लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो है यहाँ। इसलिए हमारी तो यही अपील है कि आप यहाँ आइए, इस भानगढ़ के किले का सौंदर्य, प्राकृतिक नज़ारा, पुरातत्व कला का इतिहास देखिए। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।